अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़मीन प्रॉपर्टी टूर्स। आई एम माहिर शेख। आज हम मौजूद हैं बैरिया टाउन फेज़ 8 में। आज आपको प्रॉपर्टी टूर कराएंगे प्रॉपर्टी एम्पायर के एक प्रॉपर्टी का, जो तकरीबन एक कनाल प्लॉट है और ये लोकेटेड है F5 बैरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी में। आइए चलते हैं, इसकी मज़ीद अमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ को डिस्कस करते हैं। हमारी आज की प्रॉपर्टी एक कनाल प्लॉट बैरिया फेज़ 8 से स्टेचू ऑफ लिबर्टी 15 मिनट पर है, बैरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल 20 मिनट पर है, गीगा मॉल 20 मिनट पर है, टी चौक 25 मिनट की ड्राइव पर है, DHA जाने के लिए 30 मिनट चाहिए, फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल 30 मिनट की ड्राइव पर है। मैं इस वक्त अपनी आज की प्रॉपर्टी पर मौजूद हूँ। इसकी डायमेंशंस की बात करें तो ये 50x90 है, 4500 स्क्वायर फीट है। इसके साथ ही यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज़ी से जारी है, बहुत सारे घर अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये फ्यूचर में एक अच्छी डेवलपमेंट देने जा रहा है। इस एक कनाल प्लॉट की अमेनिटीज़ की बात करें तो बिजली, पानी, गैस की सहूलत आपको दी जा रही है। इसके साथ ही अगर हम सोसाइटी की अमेनिटीज़ आपके साथ डिस्कस करें तो 24/7 CCTV कैमरा, सिक्योरिटी सिस्टम, मेंटेनेंस स्टाफ और उसके साथ ये गेटेड कम्युनिटी है। ये ओपन एरिया है, यहाँ की एटमॉस्फेयर बहुत अच्छी है। इस प्लॉट के नियर बाय की बात करें तो इसके नियर बाय में ई कमर्शियल, बैरिया जू, मलिक रियाज मस्जिद, स्कूल चेन और DHA 3B है। इसलिए ये परफेक्ट टाइम है कि आप यहाँ इन्वेस्ट करें और अपने ख्वाबों का घर बनाएं। अगर हम पेमेंट की बात करें तो प्रॉपर्टी एम्पायर आपको 90 लाख में ये एक कैनाल का प्लॉट ऑफर कर रहा है। प्रॉपर्टी एम्पायर एक बाएतमाद इदारा है और बहुत अरसे से फील्ड में काम कर रहा है, इसलिए राइट टाइम है कि आप इन्वेस्ट करें और अपने इन्वेस्टमेंट को महफूज करें। आज हमने आपको प्रॉपर्टी टूर कराया एक कनाल के प्लॉट का। ये लोकेटेड है F5 बैरिया फेज़ 8 रावलपिंडी में। इसके मार्केटिंग एंड सेलिंग राइट प्रॉपर्टी एम्पायर के पास है। उम्मीद करते हैं हमारा आज का ये प्रॉपर्टी टूर आपको पसंद आया होगा। इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए zameen.com की वेबसाइट पर जाइए और प्रॉपर्टी ID से मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल कीजिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इसके अलावा दीगर सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो करें। मुझे माही शेख को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ एंड फिर वानिला।